Hello students I am Muskan working as assistant professor in IT department Arya College Ludhiana Today in this lecture we will discuss about software project management topic system development approaches Now what is software project management Software project management is an art and science of planning and leading software projects it is a sub-discipline of project management in which software projects are planned इम्प्लीमेंटेड मॉनिटर एंड कंट्रोल बेसिकली हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज एन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज स्किल्स टूल्स एंड टेक्निकल टू ब्रॉडर रेंज ऑफ एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू मीट अ रिक्वायरमेंट्स एंड पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो आई इंक्लूड आ प्लान टू वॉट टू डू वेन टू डू

बेसिक अंडरस्टैंड ऑफ वीरियसटम डेवलपमेंट अप्रोचेज इज रिक्वायर्ड टू चूज द बेस्ट अप्रोच अस्टम डेवलपमेंट एफर्ट्स मॉडल स्पेसिफाइड दैट हाउ द फेसिसनेज इन सिस्टम डेवलपमेंट एफर्ट्स टू प्रोड्यूसर हाई क्वालिटी सिस्टम अब बेसिकली हमारा सिस्टम डेवलपमेंट अप्रोचेज के अंदर हमारे आते हैं कि हम अपने मॉडल्स को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंटेशन आती हैं ठीक है इसके अंदर हमारा ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ मॉडल्स मॉडल्स हमारे बहुत होते हैं ठीक है सिस्टम डेवलपमेंट अप्रोचेस के अंदर हमारे हमारे आते हैं, जिसमें सारे डेवलप होते हैं Next, उसके बाद हमारा आते अब के अंदर हमारे मॉडल्स जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे फर्स्ट हमारा आता है वाटरफॉल मॉडल सेकेंड हमारा आता है प्रोटोटाइप मॉडल थर्ड हमारा आता है आइड्रेटिव इन्हांसमेंट मॉडल फोर्थ हमारा आता है स्पायरल मॉडल वैसे तो बेसिकली इसमें और भी मॉडल्स होते हैं लेकिन बेसिकली हमारे चार मॉडल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर हमारा सारा प्रोजेक्ट बेस्ड है इस मॉडल्स के ऊपर हमारे सारे प्रोजेक्ट बनते हैं जैसे फर्स्ट हमारा आ गया वाटरफॉल मॉडल वाटरफॉल मॉडल में कुछ कमी आई उसको सॉल्व करने के लिए हमारा आ गया प्रोटोटाइपिंग मॉडल प्रोटोटाइपिंग मॉडल में कोई प्रॉब्लम आई उसको सॉल्व करने के लिए हमारा आ गया आई टिव इन्हांसमेंट मॉडल आई टेटिव इन्हांसमेंट मॉडल में कोई प्रॉब्लम आई उसको सॉल्व करने के लिए हमारा आ गया स्पायरल मॉडल ऐसे ही हमारे टर्न बाय टर्न करके नेक्स्ट 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 अपडेशन आती रहती हैं जैसे हमारे एग्जांपल लगा लो मोबाइल फ़ोन्स मोबाइल फ़ोन्स में भी हमारे टाइम टू टाइम या लैपटॉप्स की बात लगाओ लैपटॉप्स में भी हमारे टाइम टू टाइम क्या आती रहती हैं अपडेशंस आती रहती हैं ये हमारे चार पॉइंट्स आते हैं अब हम धीरे धीरे करके इसको आगे एक्सप्लेन एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं कैसे कैसे ये काम करता है क्या इसके एडवांटेजेस हैं क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं क्या इसकी वर्किंग है कैसे हमारा प्रोसेस काम करता है नेक्स्ट हमारा फर्स्ट मॉडल आता है वाटरफॉल मॉडल द वाटरफॉल मॉडल इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल दैट इंक्लूड्स फेजिस सच एज प्रपोजल डिज़ाइन फिजिबिलिटी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट एनालिसिस सिस्टम डिजाइन कोडिंग एंड टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड सिस्टम मेंटेनेंस द वॉटरफो मॉडल इज ऑर्गेनाइज इन अ लीनियर ऑर्डर इन विच द आउटपुट ऑफ वन हैज़ बिकम द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट फेज अब हमारे वाटर मॉडल क्या होता है वाटर मॉडल के अंदर हमारे कुछ पॉइंट्स इंक्लूड किए जाते हैं जिसको हम एस डी एल सी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर हमारा वाटरफॉल मॉडल ही इंप्लीमेंट किया जाता है क्यों क्योंकि हमारा टर्न बाय टर्न करके एक हमारा रिक्वायरमेंट हो गया उसके बाद हमारा डिज़ाइन पे चला गया डिज़ाइन हो गया डिज़ाइन के बाद ही हमारा नेक्स्ट स्टेप पे चला गया इसमें ये है कि हमारा सिक्वेंशल वे में ऑर्डर करता है जैसे रिक्वायरमेंट हो गया डिज़ाइनिंग पे आ गया डिज़ाइनिंग हो गया हमारा नेक्स्ट प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन में चला गया अगर इम्प्लीमेंटेशन हो गया हमारा उसके बाद टेस्टिंग पे चला गया टेस्टिंग हो गई उसके बाद हमारा मेंटेनेंस पे चला गया मतलब ये कहने का मतलब है कि आ, ये हमारा सीक्वेंस पे में चलता है अगर इन केस हमारे बीच में मान लो अगर टेस्टिंग में प्रॉब्लम आ जाती है तो ये नहीं है कि वो सिर्फ कोडिंग पे अपनी इंफॉर्मेशन चेक करेगा उसको सारा लाइफ साइकिल दोबारा चलाना पड़ेगा इसलिए इसमें हमारा ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं ये हमारा एक ईजी वे में अंडरस्टैंडेबल है ठीक है उसके बाद हमारा देखो आता है इसके एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस भी हैं और इसका एक डायग्राम भी है डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेनेशन हो जाएगी कि हमारा वाटर फॉल मॉडल डाउनवर्ड्स में जाता है ठीक है नेक्स्ट उसके बाद डायग्राम शोज अ वाटर फॉल मॉडल अब डायग्राम में हमारा वाटर फॉल मॉडल शो किया गया है जो मैं आपको बता रही थी कि हमारी रिक्वायरमेंट हो गई प्लानिंग पे चला गया प्लानिंग के बाद मॉडलिंग पे चला गया मॉडलिंग के बाद कोडिंग पे आ गया कोडिंग हो गई उसके बाद टेस्टिंग आ गई टेस्टिंग के बाद वो डिप्लॉयमेंट में चला गया अब बेसिकली हमारी ये जो सारी प्रोसेसेस हो जाते हैं इसमें हमारा ये है कि अगर हमारी बीच में अगर हमारी कोई डिज़ाइनिंग में प्रॉब्लम आ जाती है या हमारी कोडिंग में प्रॉब्लम आ जाती है तो ये क्या करेगा अपना सारा लाइफ साइकिल शुरू से चलाएगा जिससे क्या होगा इसको अपनी सारी प्रोसेसिंग शुरू से शुरू करनी पड़ेगी ठीक है उसके बाद हमारे इसमें बताए गए हैं कुछ वाटरफॉल मॉडल के एडवांटेजेस कुछ बताए गए हैं डिसएडवांटेजेस ठीक है एडवांटेजेस हमारे वही आगे बेनिफिट्स डिसएडवांटेजेस हमारे आगे लिमिटेशन जिसको हम प्रोज एंड कॉन्स भी कहते हैं अब हमारा फर्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ अ वाटरफॉल मॉडल आर रिलेटिवली सिंपल टू अंडरस्टैंड ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट प्रोसीड सिक्वेंशली हेल्प्स इन कंट्रोलिंग शेड्यूल बजट्स एंड डॉक्यूमेंटेशंस अब बेसिकली इसमें क्या है कि हमारी इसमें स्टेजेस आर वेल डिफाइंड होनी चाहिए मतलब एक एक स्टेज हमारा वेल well डिफाइंड होना चाहिए ताकि हमें दोबारा अपना लाइफ साइकिल शुरू से ना शुरू करना पड़े ये हमारा एक तो हमारे बजट के अंदर होता है बिकॉज़ इट इज़ अ फर्स्ट मॉडल जो हमारा सिर्फ डाउनवर्ड्स में ही जाता रहेगा बैक नहीं जा सकता ठीक है उसके बाद इसमें हमारे कुछ लिमिटेशन भी आते हैं लिमिटेशंस में हमारी ये चीज़ें आ जाती हैं द मॉडल मेनली स्ट्रेस दैट द रिक्वायरमेंट शुड बी कम्प्लीटेड स्पेसिफाइड बिफोर द नेक्स्ट फेज बिगन्स इट ऑल्सो लैक्स द स्ट्रेटेजिकल

वैसे ही हमारा फर्स्ट मॉडल है इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे आगे मॉडल निकाले गए अब इसमें क्या अगर एक में भी प्रॉब्लम आ जाती है हमें सारा लाइफ साइकिल फिनिश करके फिर उसके बाद हमें स्टार्टिंग से जाके प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना पड़ेगा अब वॉटरफॉल मॉडल की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारा आ गया आइट्रेटिव एनहांसमेंट मॉडल प्रोटोटाइपिंग मॉडल स्पायरल मॉडल अब हम एक्सप्लेन एक्सप्लेन करेंगे अपनी प्रोटोटाइपिंग मॉडल को अब हमारी नेक्स्ट आ गई प्रोटोटाइपिंग मॉडल वाटरफॉल मॉडल में कुछ कमियाँ थी उस कमी को पूरा करने के लिए आ गया प्रोटोटाइपिंग मॉडल प्रोटोटाइपिंग मॉडल में क्या है इन दिस अप्रोच अ प्रोटोटाइप ऑफ अ सिस्टम डेवलपमेंट इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सिस्टम दिस मीन्स अ कंप्लीट सिस्टम इज परफॉर्म दैट डज नॉट इंक्लूडेड ऑल द रिक्वायरमेंट्स फॉर यूजर्स अब इसका मतलब क्या है बेसिकली हमारा प्रोटोटाइपिंग मॉडल मतलब जो हमारे सेट ऑफ रूल्स होते हैं दिस प्रोसेस इन विच क्रिएट्स अ मॉडल ऑफ अ एक्चुअल सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग मॉडल के अंदर हमारे कुछ वाटरफो मॉडल की कमियों को देखने के लिए हमारा प्रोटोटाइपिंग मॉडल निकाला गया प्रोटोटाइपिंग मॉडल के अंदर क्या है कि इस चीज़ को हम मतलब कुछ चीज़ों को हम क्रिएट करते हैं एक्चुअल में हमारे जो सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए हमारे कुछ सेट ऑफ़ रूल्स लगते हैं जिसमें हमारा प्रोटोटाइपिंग मॉडल हेल्प करता है ठीक है प्रोटोटाइपिंग मॉडल्स में हमारे क्या होते हैं जैसे अगर एक में भी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम क्या कर सकते हैं उसी के बीच उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ये नहीं है कि हमें सारा साइकिल कंप्लीट करने के बाद हमें हमें बैक वापस जाना है नहीं हम सारे प्रोसेस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं बीच में से अगर किसी का कोई एरर आ रहा है जैसे मान लो हमारी टेस्टिंग के अंदर एरर है तो हम कोडिंग के अंदर फाइंड आउट करेंगे कि हाँ जी कोडिंग के अंदर क्या एरर है और हम टेस्टिंग पे चले जाएंगे ये हमारे वाटरफॉल मॉडल को देखते देखते हमारा प्रोटोटाइपिंग मॉडल फाइंड आउट किया गया ठीक है उसके बाद इसमें हमारे कुछ डायग्राम शो करके बताया गया है कि हमारे प्रोटोटाइपिंग मॉडल्स में और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड सम लिमिटेशन एंड सम बेनिफिट्स नाउ डायग्राम शोज ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल्स डायग्राम के अंदर हमारा शो होते हैं कुछ प्रोटोटाइपिंग मॉडल जिसमें हमारा स्टार्ट होता है हम देखते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या क्या है फिर उसके बाद हम कोई डिजाइन करते हैं डिजाइनिंग के अंदर हमारी आ जाती है कुछ हम प्रोटोटाइपिंग मतलब जैसे हमारे सेट ऑफ रूल्स या हमारी कोई बिल्डिंग हमने अपडेट कर दी उसके बाद हम क्या करते हैं यूजर को उनका काम दे देते हैं जैसे हमारे इंप्लाइज हो गए उनको उनका काम दे दिया रिफाइंड प्रोटोटाइपिंग मतलब अगर मान लो हमारे पीछे कोई प्रॉब्लम आ गई हम वापस बैक स्टेज बैक स्टेज पर जाएंगे क्विक डिजाइन पे जाएंगे मान लो प्रॉब्लम आ गई क्विक डिजाइन करने के बाद हमारा उसके बाद हमारा इसमें शो कर देगा बिल्ड प्रोटोटाइप उसको सॉल्व कर देंगे ऐसी हमारा साइकिल चलेगा जिसमें हमारा इंजीनियर प्रोडक्ट हमारा क्या है लास्ट पॉइंट है मतलब कि हमारा एंडला इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि प्रोटोटाइपिंग मॉडल में हम बीच में से भी प्रोसेस जा सकते हैं लेकिन इसमें यह है कि अगर हमारा क्विक डिज़ाइन के बाद हमें पूरा सर्कल दोबारा चलाना पड़ता है दैट मीन्स एग्जांपल लाइक अगर हमारी कोडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या करेंगे अपना प्याला पीछे डिजाइनिंग पे देखेंगे डिज़ाइनिंग को सॉल्व करके कोडिंग कोडिंग के बाद टेस्टिंग टेस्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है फिर से कोडिंग पे जाएगा मतलब ऐसे वो अपना क्या करेगा रिफाइन करेगा मतलब चेक करेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम इसमें रही है, है? ठीक उसके बाद हमारे कुछ आते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल ठीक है उसके बाद इसमें भी कुछ लिमिटेशन होती हैं, आगे अब हम वो पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा आता है एडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल अब एडवांटेजेस मतलब जैसे हमारे वाटरफॉल मॉडल के हमारे बेनिफिट्स थे जिसमें जिसको हम प्रोज एंड कॉन्स बोलते हैं प्रोज मतलब बेनिफिट्स वैसे ही हमारे आते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल जिसमें हमारा क्या करते हैं इट इज़ कैपेबल ऑफ प्रैक्टिसिंग आइडियाज एंड आल्सो डज नॉट इन्वॉल्व अ लार्जर कॉस्ट दिस अप्रोच इंट्रेक्टिव इन नेचर दिस अप्रोचेज में ऑल्सो लीड टू पोअली डिज़ाइन सिस्टम अब इसमें हमारी मेन एडवाटेज ये आती है कि प्रोटोटाइपिंग मॉडल हमारा एक तो लार्जर प्रोजेक्ट हमारे इन्वॉल्व ही नहीं करता जैसे हमारे फाइव ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट हो गए या टेन ईयर्स की कॉन्ट्रैक्ट हो गई वो हमारे प्रोटोटाइपिंग में नहीं आती जैसे हमारे कोई सिक्स मंथ्स के प्रोजेक्ट हो गए या कोई सेवन मंथ्स के प्रोजेक्ट हो गए ये उस चीज़ को हमारा प्रोटाइपिंग मॉडल हैंडल करता है प्रोटोटाइपिंग मॉडल में हम अपने आइडियाज़ को भी एग्जिस्ट करके अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं इस में हमारा बताया गया है कि दिस अप्रोच इज इंट्रेक्टिव इन नेचर मतलब ऐसा नहीं किसी को कोई समझ नहीं आएगा फ्रेंडली नेचर है मतलब आएगा जो पर्सन जिसको नॉलेज होगी उसको समझेगा अपने अकॉर्डिंग वो प्रोजेक्ट के आइडियाज लगा के उसको सॉल्व कर सकता है उसके बाद हमारा आता है पुअर् डिजाइंड ये हमारा क्या होता है पोअरली डिजाइंड होता है अब जैसे हमारे कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल करता नहीं है नॉर्मली स्मॉल प्रोजेक्ट हैंडल करता है इसलिए ये हमारा लीड करता है पोअर डिज़ाइन सिस्टम को अब इसके अंदर हमारे कुछ आते हैं लिमिटेशंस लिमिटेशंस ऑफ अ प्रोटोटाइपिंग मॉडल्स में हमारे कुछ आ जाते हैं मतलब हानिए इट इज़ नॉट सेटिसफाइड बाय द डिवेल्प प्रोटोटाइप देन द न्यू प्रोटोटाइपिंग इज डेवलप्ड द प्रोसेस गोज ऑन अंटिल परफेक्ट प्रोटोटाइपिंग इज डेवलप्ड दिस मॉडल टाइम

कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कि जैसे हम हाँ जी हमारे फाइव ईयर्स का प्रोजेक्ट संभालेगा या कोई टेन ईयर्स का प्रोजेक्ट संभालेगा ये हमारे स्मॉल स्केल टर्म्स के लिए होते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए जो हमारे वाटरफॉल मॉडल को अपडेशन करने के लिए हमारा आया है प्रोटोटाइपिंग मॉडल ठीक है अब प्रोटोटाइपिंग मॉडल की लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए हमारा नया आ गया आइट्रेटिव इन्हांसमेंट मॉडल आइट्रेटिव इन्हांसमेंट मॉडल में क्या है कि एक हमारा साइकिल की फॉर्म में चलता है ठीक है साइकिल की फॉर्म में चलता है साइकिल की फॉर्म इन सेंस, इन दिस आइट्रेटिव इन्हांसमेंट मॉडल द सिस्टम इज डिवेलप इन इंक्रीमेंट्स इन अदर वर्ड्स इच इंक्रीमेंट एट सम फंक्शनल कैपेबिलिटीज टू सिस्टम, अंटिल दफाइल सिस्टम इज डिवेलप्ड दिस मॉडल्स कैन बी मॉडिफाइड एट इच स्टेप एंड दे कैन बी यू री यूज ए मॉडल बेसिकली एटेटिव इनहसमेंट मॉडल क्या है इट इज़ परफॉर्म अ साइकल फॉर्मेट जिसमें हमारे एक प्रॉब्लम खत्म हो गई दूसरी हो गई ठीक है जैसे हमारा डिज़ाइनिंग का प्रोसेस खत्म हो गया इंप्लीमेंटेशन पे चला गया इंप्लीमेंटेशन खत्म हो गया एनालिसिस पे चला गया अगर हमारा इंप्लीमेंटेशन ख़त्म होकर एनालिसिस पे चला गया तो हमारा पिछला हमारा इंप्लीमेंटेशन को भी अपना काम मिल जाएगा डिज़ाइन को भी अपना काम मिल जाएगा ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं आइटेटिव एनहांसमेंट मॉडल के अंदर जो हमारा एक प्रोसेस प्रोजेक्ट खत्म हो गया दूसरा प्रोजेक्ट शुरू हो गया दूसरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया तीसरा शुरू हो गया मतलब एक साइकिल की फॉर्म में ये हमारा प्रोजेक्ट क्या है चलता रहता है चलता है, चलता रहता रहता है लिखा गया इसमें भी हमारी पहले रिक्वायरमेंट हो गई एनालिसिस हो गया फिर उसके बाद इसमें हमारे आगे की आगे पॉइंट्स दिए गए जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें पॉइंट्स दिए गए जैसे हमारा एनालिसिस हो गया एनालिसिस के बाद डिजाइन हो गया डिज़ाइन के बाद टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन उसके बाद हमारे क्या आगे रिव्यूज़ आ गए फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट एवटेटिव शुरू हो गया मतलब हमारा नेक्स्ट साइकिल शुरू हो गया नेक्स्ट खत्म हो गया थर्ड हो गया थर्ड के बाद अप टू सोन ऐसे ऐसे हमारे एनहांसमेंट मॉडल्स चलते रहते हैं ठीक है अब इनमें भी कुछ कमियाँ थी इनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारा आ गया स्पायरल मॉडल ठीक है अब हमारा स्पायरल मॉडल में क्या चीज़ें आती हैं इसमें हम पढ़ेंगे कि स्पायरल मॉडल द स्पायरल मॉडल इज अनदर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस दैट सजेस्ट दैट वेरियस एक्टिविटीज़ एन्वॉल्व इन सिस्टम डेवलपमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज लाइक अ स्पायरल दिस मॉडल इज़ द मोस्ट रिसेंट डपमेंट मॉडल एंड वज परपोस्ड बाय बोहिम दिस मॉडल इज इन नेचर एंड साइक्लिंग विद इन इट बेसिकली हमारा साइक uh, बेसिकली हमारा जो स्पायरल मॉडल है एक साइक्लिक मॉडल की तरह होता है अब इसमें हमारे आते हैं लॉन्ग टर्म पीरियड्स लॉन्ग टर्म पीरियड्स के अंदर हमारे आगे लाइक like, हमने कोई एजुकेशन बिल्डिंग खड़ी करनी है या हमने कोई नए नए प्रोजेक्ट्स बनाने लाइक like, जो हमारा टेन ईयर्स का हो गया या फाइव ईयर्स का हो गया वो हमारा प्रोजेक्ट आगे आगे चले समाइम्स क्या होता है कि कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड नहीं होता तो हम क्या करते हैं सो दे कैन प्रोजेक्ट चेंज अगेन ठीक है so बेसिकली हमारा ये क्या होता है एक तो इसमें हायर रिस्क भी इन्वॉल्व होता है अब देखो अगर हमारा प्रोजेक्ट बड़ा होगा दैट मीन्स हमारा रिस्क भी ज़्यादा होगा रिस्क ज़्यादा होगा जिससे क्या होगा हमारे कल को हानि भी हो सकती लिमिटेशंस आ सकती कंपनी को डिसएडवांटेजेस कंपनी को बेनिफिट्स uh, नहीं होंगे ठीक है उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारा इन्होंने निकाल दिया स्पैनल मॉडल जिसमें हमारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स भी आते हैं शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स भी आते हैं अब हमारे इसमें भी कुछ आते हैं इसमें हमारे सिक्स लिस्ट स्टेजेस या हमारे कुछ फाइव स्टेजेस इन्वॉल्व किए गए हैं अब हम आगे वो पढ़ेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे सिक्स स्टेप्स होते हैं सिक्स स्टेप्स सिक्स स्टेप्स भी पढ़ेंगे या हमारे कुछ फ़ाइव स्टेप्स आते हैं लेकिन उससे पहले हमारे कुछ स्पायरल uh, मॉडल की जैसे मैंने आपको पीछे बताया हमारा प्रोटोटाइपिंग मॉडल है आई मॉडल है वाटरफा मॉडल है उसका डायग्राम रिप्रेजेंट किया वैसे ही हमारा आता है स्पायरल मॉडल का डायग्राम कि हमारा एक स्पायरल की, की फॉर्म में चलता है जिसमें हम अपने ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करते हैं आइडेंटिफाई रिस्क फाइंड आउट करते हैं हमारा गोल आता है रिस्क आते हैं फिर हम रिव्यूज करते हैं प्लान को फिर हमारे कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं ये हमारा डायग्राम डिफाइंड करता है स्पायरल मॉडल को उसके बाद हमारे कुछ इसमें आ जाते हैं सिक्स या फाइव स्टेजेस आ जाते हैं प्लानिंग रिस्क एनालिसिस कंस्ट्रक्शनलाइजेशन कस्टमर ईवेल्यूएशन कस्टमर कम्युनिकेशन अब ये हमारे ना बेसिकली हमारे कुछ इसमें आप बोल सकते हो कि हमारे कुछ लिस्ट है स्टेजेस हैं जो हमारे स्पैरल मॉडल इन्वॉल्व करता है जिसमें हमारा प्लानिंग तो आता ही आता है व्हाट टू डू व्हेन टू डू व्हाट आर पर्टिकुलर टास्क रिस्क एनालिसिस के अंदर हम रिस्क फाइंड आउट करते हैं और हम उसका बैकअप प्लान भी रखते हैं कंस्ट्रक्शन रिलीजिस के अंदर हमारे आ जाते हैं कि टेस्टिंग क्या आएगी क्लाइंट के साइड क्या काम है इंप्लॉयज़ क्या काम कर रहे हैं ठीक है कस्टमर इवेशन के अंदर हमारी आ जाएगी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ठीक है इसमें हमारी आ जाएंगी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है थर्ड उसके बाद हमारी कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन भी मैटर करती है कि कस्टमर को क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको किस चीज़ पे अट्रैक्शन है क्या उसको कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए क्या उसको सेटिस्फेक्शन देनी है ठीक है अब उसके बाद इसमें हमारे कुछ एडवांटेजेस भी आते हैं स्पायरल मॉडल के ठीक है अब हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे आते एडवांटेजेस ऑफ अ स्पायरल मॉडल एवॉयड द प्रॉब्लम रिजल्टिंग इन रिस्क ड्रिवन एंड अप्रोचेज इन द सिस्टम स्पायरल मॉडल इज़ यूटिलाइज बाई कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक प्रोजेक्ट्स स्पेसिफाइम मैकेनिज्म फॉर सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस एक्टिविटीज़ इसमें हमारा ये बताया गया कि हमारे बेनिफिट्स ये होते हैं कि हमारा डेवलपमेंट फास्ट है स्पायरल मॉडल में हमारे फ़र्स्ट बेनिफिट ये आता है क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है इसलिए हमारा डेवलपमेंट ये काफ़ी फ़ास्ट होता है ये हमारे हैंडल करके रखता है लार्जर प्रोजेक्ट्स को इसमें हमारा रिस्क भी होता है ऑफ अफकोर्स ये बात है कि अगर हमारा इसमें प्रोजेक्ट अगर हमारा बन रहा है तो इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है रिस्क हमारे आ जाते हैं इसमें जैसे आ, हमारे प्रॉफिट नहीं हो सकता क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन इसमें एडवांटेजेस ये बताई गई हैं वैन द कस्टमर इज़ नॉट सेटिसफाइड द स्पायरल मॉडल वर्क अगेन एंड अगेन इसका मोस्ट बेनिफिट यही है कि अगर हमारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में कस्टमर सेटिसफाइड नहीं है तो हम इसका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट रख के कस्टमर को दोबारा प्रोजेक्ट भी दे सकते हैं ये हमारे कुछ आते सॉफ्टवेयर स्पायरल मॉडल के हमारे कुछ आते एडवाटेजेज और ये हमारे जो चार पाँच मॉडल्स थे ये हमारे आते सिस्टम डेवलपमेंट अप्रोच के अंदर अब हमारा बेसिकली स्पायरल मॉडल क्या है स्पायरल मॉडल द मॉडल इज जनरल सुटेबल फॉर हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स एंड दिस मॉडल्स में नॉट बी टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स अब इस मॉडल में मैं आपको बार बार बोल रही हूँ हमारा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स है इसमें हमारा हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है इसमें यह नहीं है कि कॉस्ट इफेक्टिव वो हमें सस्ते में मिल जाए नहीं ये हमारे हाईर एक्सपेंसिज पे बनता है और ये हमारा ये नहीं है कि टाइम कम ले टाइम भी इसमें ज्यादा ही होता है ये हमारे कुछ आते हैं मॉडल्स